बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों का विशेष सत्र 13 जनवरी को बुलाया गया है। एक दिन के सत्र के दौरान एसपी एसटी सदस्यों के आरक्षण को फिर से अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाने पर मुहर लगेगी। विधानसभा की बैठक 11 बजे और विधान परिषद की बैठक 2 बजे से होगी। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने बताया कि 126वें संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों ने पिछले सत्र में मंजूरी दी थी। सीएम नीतीश कुमार ने 13 जनवरी को विधानसभा की विशेष बैठक बुलाई है। मामला संविधान संशोधन विधेयक से जुड़ा है। सीएम ने 13 जनवरी को विशेष बैठक बुलाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी से अनुरोध किया है। इस संबंध में बिहार विधानसभा के उप निदेशक संजय कुमार सिंह और से चिट्ठी भी जारी कर दी गई है। चिट्ठी में बताया गया है कि 126वां संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका है और इसे 25 जनवरी से प्रभावी होना है। चिट्ठी में बताया गया है कि अनुच्छेद 168वें के तहत आधे से ज्यादा राज्यों की विधायिका से इसका अनुसमर्थन आवश्यक है। इस सत्र में संविधान के 126वें संशोधन, जिसमें लोक सभा राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और नाम निर्देशन द्वारा आंग्ला भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी 25 जनवरी 2020 के अगले 10 साल यानी 25 जनवरी 2030 तक जारी रखने संबंधी संविधान संशोधन के अनुसमर्थन के लिए राजकीय प्रस्ताव पर विमर्श किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रावधान के मुताबिक लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण के साथ साथ एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था है। शुरू में इसे सिर्फ 10 सालों के लिए किया गया था, किंतु बाद में प्रत्येक 10 साल के लिए बढ़ाया जाने लगा। 25 जनवरी 2020 को आरक्षण की अवधि खत्म हो रही है, लिहाजा इसे बढ़ाना जरूरी है। संविधान के अनुच्छेद 168वें के तहत आधे से ज्यादा राज्यों की विधायिका का अनुमोदन जरूरी है। चौधरी ने कहा कि सदन के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अनुरोध प्राप्त हुआ है, जिसके बाद बैठक बुलाई गई है। वर्तमान विधानसभा के 14वें सत्र का अवसान नहीं हुआ है, इसलिए बिहार विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के तहत अध्यक्ष विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। इस दिन केवल संबंधित संविधान संशोधन के समर्थन के लिए राजकीय प्रस्ताव पर विमर्श होगा। लोकसभा में एससी एसटी और एंग्लो इंडियन के लिए 131 सीटें आरक्षित हैं। 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति नामित करते हैं। 2 दशक पहले तक बिहार विधानसभा में भी एंग्लो इंडियन के लिए 1 सीट आरक्षित थी। बंटवारे के बाद यह सीट झारखंड में चली गई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।